हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड मेकअप बाय पुष्पा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राखी मेकअप लुक। ऐसे भी सामने बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, तो आप कहीं पे भी ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एवॉन नेचुरल्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसे अच्छे से शेक कर लूँगी, देन अपने हाथ पे लेके डैब डैब करके अपने फेस पे लगा लूँगी एंड इसे एब्जॉर्ब होने के लिए 2-3 मिनट तक छोड़ दूँगी। अब मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड सुपर लाइट जेल। अगर आपकी स्किन ऑयलिया कॉम्बिनेशन है तो ये वाली मॉइस्चराइजर आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसे मैं अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से लगा लूँगी एंड इसे भी एब्जॉर्ब होने के लिए 2-3 मिनट तक छोड़ दूँगी ऐसे ही। आज मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ये ब्लू हेवन का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अपने पूरे फेस एंड नेक पे डॉट डॉट करके लगा लूँगी एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फेस को सेट करने के लिए मैं इनसाइड की HD फिनिशिंग लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने अंडर आइज पे लगा लूँगी एंड एक ब्रश की मदद से इसे पूरे फेस एंड नेक पे अच्छे से लगा लूँगी। इसके बाद मैं अपना आई मेकअप करूंगी एंड उससे पहले मैं आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड लूंगी एंड अपने आईब्राउज को फिल कर लूंगी। सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर का शेड लूंगी एंड इसको अपने आउटर कॉर्नर से लेके इनर कॉर्नर तक अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ऑरेंज कलर का शेड को ब्लेंड करने के बाद मैं ब्राउन कलर का शेड लूंगी एंड उसे ऑरेंज कलर के ऊपर ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी। अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा और डार्क करने के लिए मैं ब्लैक कलर का शेड लूंगी एंड अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी।
क्रीज को कट करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश में कंसीलर लूँगी एंड अपने क्रीज को कट करूँगी। मैं एकदम स्लोली कर रही हूँ ताकि आप लोग ये वीडियो देख के आसानी से समझ सको, या फिर वीडियो देख के ही आप लोग अपना आईने का कर सकते हो ऐसा। क्रीज को कट करने के बाद मैं ब्राउन कलर का शेड लूंगी एंड अपने आउटर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि यह कंसीलर और मेरे आउटर कॉर्नर पे जो ब्राउन कलर का शेड लगा है उसके बीच कोई हार्श लाइन ना बना रहे। तो पहले मैं ब्राउन कलर का शेड लेकर ब्लेंड करूँगी एंड देन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का शेड लूँगी एंड उस ब्राउन कलर के शेड के ऊपर ही अच्छे से दोनों को मिक्सअप करके लगा लूँगी। देन एक शिमरी शेड लूँगी एंड इसको मैं कंसीलर जहाँ लगाया है उसके ऊपर अच्छे से इसको लगा लूँगी। अब लाइनर के लिए मैं एनवाइबे का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैं आज कोई विंग लाइनर ड्रॉ नहीं करूँगी, इसे बस अपने लैश लाइन के करीब करीब ही लगाऊँगी। अब मैं एनवाइबे का वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ और इसे अपने आँखों के नीचे लगाऊंगी ताकि मेरी आईज थोड़ी और बड़ी दिखे। अब मस्कारा के लिए मैं एनवाइबे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं अपने अपर लैश एंड लोअर लैश दोनों पे अच्छे से लगा लूँगी। अब कॉन्टोर के लिए मैं उसी पैलेट से ब्राउन कलर का शेड लूंगी एंड अपने फेस को कॉन्टोर कर लूंगी। अब ब्लश के लिए मैं आई शेडो पैलेट से पिंक कलर का शेड लूंगी और पहले इसे डस्ट आउट कर लूंगी एंड देन अपने चीक्स पे लगा लूंगी। ब्रश के बाद अब मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, इसे मैं अपने चीक बोन पे, नोज पे, फॉरहेड एंड अपने चिन पे लगा लूँगी।
love it, go get the score. ING, just ING. Name it as the ING. अब लिपस्टिक के लिए मैं लैक्मे की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।